तीन ऑप्शन मिल रहा है, फ्रिज पैंट्स, फ्रिज टॉप रो एंड फ्रिज फर्स्ट कॉलम। अगर आप फ्रिज टॉप रो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए नीचे चले जाइए, आपकी टॉप रो यानी कि फर्स्ट वाली रो नहीं हट रही। जैसे आपकी बहुत बड़ी टेबल है, यहाँ पर देखिए 104 आ गया, लेकिन अपनी फर्स्ट रो नहीं हट रही, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है फ्रिज फर्स्ट कॉलम, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका है, आप आगे साइड चले जाइए, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे नहीं हटेगा। लेकिन हमें फर्स्ट कॉलम की जरूरत नहीं है, हमें क्या दिखना चाहिए यहाँ पर, बेसिक सैलरी नैप ये सब दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ पर एक सेकंड, पहले अनफ्रिज पर क्लिक कर दे, फ्रिज पेंस, ठीक है। कहाँ से आपको मर्ज करना है, अपन को मर्ज करना है ये वाली भी रहना चाहिए और यहाँ से ये वाली भी रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ तक जो है ये फ्रिज हो जाना चाहिए, तो इतनी आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आप जाइए फ्रिज पेंस पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर आगे की साइड जाइए, देखिए अजय वाला नहीं हटा, लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि बेसिक सैलरी भी नहीं हटनी चाहिए। तो आप यहाँ से पहले इसको अनफ्रिज कर दीजिए, आप यहाँ पर यहाँ पे क्लिक कर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर जाइए फ्रिज पेंस पर, फ्रिज पेंस लगा दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाइन आ गई, जहां भी आपको फ्रिज पेंस लगाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके एक पहले वाली रो को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। और अब आप आगे चले जाइए, देखिए नहीं हट रही बेसिक सैलरी, आप कितने भी आगे चले जाइए, आप नीचे जा रहे हैं तो आपकी टॉप रो जरूर हट जाती है, ठीक है। तो आप इन दोनों में ही फ्रिज पेंस लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ से इस पे जाइए अनफ्रिज कर दीजिए। हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये ऊपर वाला भी दिखता रहे और यहाँ पे साइड जो अपनी बेसिक सैलरी नेम है ये भी दिखता रहे। तो यहाँ पर ये जो टू लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमें किसको फ्रिज करना है, इसको करना है और इसको करना है, इसलिए हम उसके पहले वाले जो भी रो होती है या फिर कॉलम होता है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फ्रिज पेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं नीचे जा रहे हैं, आप नहीं हट रहे, ठीक है। और हम यहाँ से साइड जा रहे हैं पर भी नहीं हट रहे, ठीक है। नीचे भी चले जाइए आप, नीचे भी नहीं हटे, आए समझ में, कर लेंगे, ठीक है। आपको फ्रिज पेंस हटाना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो, अनफ्रिज पर, ठीक है। टॉप रो करोगे तो ओनली फर्स्ट वाली होगी और फर्स्ट कॉलम करोगे तो सिर्फ फर्स्ट वाला कॉलम होगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ से करोगे तो क्या होगा, जहां से आप करना चाहते हो वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनको सभी को सम करेंगे, सम करेंगे लास्ट में, लास्ट में जा रहे हैं हम इसको सिलेक्ट करने के बाद, एक एक्स्ट्रा कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे होम टैब में जाकर, ठीक है, ऑटो सम, ठीक है। ओनली चार बता रहा है क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन इसको मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे तो आप मर्ज कर सकते हो, यहाँ पे अपन लिखते हैं टोटल लेट मिनट, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल लेट मिनट, इसको अपन रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि ये आपको दिखने लगे। अब आप जैसे जैसे यहाँ पर रोज इसको आप ड्रैग कर लीजिए, ठीक है, सभी का बता रहा है। अभी अपन ने सिर्फ दो कॉलम में लिखा, इसलिए दो का बता रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ से अपन सिर्फ दो को ही ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, जितने मिनट जो भी वर्कर लेट होगा उसका यहाँ पर अमाउंट डालोगे, हम सभी में दो दो कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये मैं सोच रहा कि वहां पर वन वन लिखा था तो यहाँ पर टू टू लिखना, यहाँ तो अपन को जितने भी मिनट लेट होगा जो भी वर्कर यहाँ पर उसके मिनट काउंट करके अपन को यहाँ पे लिखने रहेंगे, तो यहाँ पर ये टोटल बता देगा। अब मान लीजिए किसी दिन कोई 20 मिनट लेट है, किसी दिन 10 मिनट लेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे तो यहाँ पर अपने पास टोटल लेट मिनट जो है काउंट होकर आ जाएंगे। अब अपन को क्या करना है, लेट मिनट की सैलरी काटनी है, तो लेट मिनट की सैलरी आप कब काट सकते हैं, जब आपको 1 मिनट की सैलरी पता हो। 1 मिनट की सैलरी कब पता होगी, जब आपको 1 घंटे की पता हो, और 1 घंटे की कब पता चलेगी, जब आपको 1 दिन से पता हो। तो अपन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ से अपन इसको मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं पर डे सैलरी, ठीक है। और इसको भी अपन यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देते हैं, इक्वल लगाएंगे, ठीक है। बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे,
डिवाइड कर देंगे 31 से, तो ये हो गई इनकी एक दिन की सैलरी। अब इसके बाद अपन इसको भी रेड टेक्स्ट कर लेते हैं। अब अपन यहाँ पर लिखेंगे पर आवर सैलरी, ठीक है। पर आवर सैलरी के लिए आपको एक चीज, एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, किसका, वर्क हावर का। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे वर्क हावर, ठीक है। जो वर्कर जितने मिनट, सॉरी जितने घंटे काम करते हैं एक दिन में, वो आप यहाँ पर घंटे डाल देंगे। इनके काम हो गए, अपन के नौ कर लेते हैं। अब आपको पर आवर सैलरी निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे, पर डे सैलरी पर आप क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे आप वर्क आवर से, एंटर कर देंगे, तो आपके सामने यहाँ पे वर्क आवर सैलरी, पर आवर सैलरी आ जाएगी। आप इसको भी यहाँ से ड्रैग कर देंगे और पर डे सैलरी को भी अपन यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। इतने में कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। अगर आपको बस आपको पुरानी वाली सैलरी को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे एक सेल और, बस एक ही सेल और मर्ज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अपन यहाँ पर लिख देते हैं पर मिनट, ठीक है। पर मिनट सैलरी निकालने के लिए अपन इक्वल लगाएंगे, बताइए अब क्या करेंगे। पर आवर सैलरी पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है, एंटर। तो ये आ जाएगी इनकी पर मिनट सैलरी। अब इसके बाद, अब आपको, आपके पास पर मिनट सैलरी आ चुकी है। अब आपको इनके टोटल लेट मिनट्स पता ही है, आपको बस इतना सा करना है, इनकी निकालनी है कि कितनी सैलरी कट रही है। तो उसके लिए आप यहाँ पर टोटल लेट मिनट सैलरी लिखेंगे, ठीक है। टोटल लेट मिनट सैलरी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे पर मिनट सैलरी, सॉरी टोटल लेट मिनट पर क्लिक करेंगे, इंटू कर देंगे पर मिनट सैलरी से और एंटर कर देंगे। तो इनकी जो भी है, अगर ये 62 मिनट लेट होते हैं तो इनकी इतनी सैलरी कटती है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो इन सभी की इतनी इतनी सैलरी कट रही है, क्योंकि ये रोज 2-2 मिनट लेट है। अगर ज्यादा लेट होंगे तो इनकी ज्यादा सैलरी कटेगी। इतने में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे इस चीज पर अपन आए थे लेट मिनट निकालने के लिए, कि मतलब इनकी लेट टोटल लेट मिनट की सैलरी कितनी कट रही है। इसके लिए अब अपन वापस जाते हैं सैलरी अटेंडेंस अमाउंट लिस्ट पर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब बताइए, अब बस आपका लास्ट में बचा है आपको नेट सैलरी इनको देनी कितनी है वो, बाकी पूरा अपना हो चुका है। इतने में कोई डाउट तो नहीं है, कर लेंगे। हाँ, आप जब करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए अभी अभी हम आपको यही चीजें एक बार और रिपीट करा देते हैं। लास्ट चीज अपनी बची हुई है, अपन इस लिस्ट पर क्यों आए थे, अपन ने यहाँ पे पहले इस वाली लिस्ट को देखते हैं। यहाँ पे अपन ने ये लिस्ट तो आपको आ गई होगी समझ में, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, जो भी डेज में 1, 2, 3 इस तरह से लिख देंगे 31 तक, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, प्रेजेंट लगाओगे। प्रेजेंट लगाने के लिए आप जो प्रेजेंट होगा उसकी 1 लिखोगे, जिस जो लीव लेगा उसकी एल लिखेंगे, या फिर हॉलीडे होगा तब भी आप एच लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी सिर्फ एक दिन की सैलरी माइनस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी वो एक दिन की सैलरी माइनस करेगा। हमें अगर 2 दिन की सैलरी काटनी है तो हम क्या करेंगे, -1। इन सभी को हम यहाँ पर क्या कर किया, हमने काउंट कर लिया कितने दिन ये प्रेजेंट है। इसके बाद नेट सैलरी निकालने के लिए हमने इक्वल लगाया और 31 से इसको डिवाइड कर दिया, तो एक दिन की सैलरी आ गई। और एक दिन की सैलरी में हमने टोटल प्रेजेंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी इंटू कर दिया, तो हमें यहाँ पर नेट सैलरी मिल गई। अब हमें क्या निकालना था, इनका लेट मिनट। लेट मिनट निकालने के लिए हमने एक शीट और बनाई, उसके ऊपर हमने यहाँ पर जैसा हमने उसमें बनाया था, जैसा हमने उसमें बनाया था उसको हमने यहाँ पे लेकर आए, और यहाँ पर इस तरह से हमने डेट लिखी 1 से लेकर 31 तक। अब जो जितने मिनट लेट था हमने यहाँ पर उसको देख, उसी दिन हमने, जैसे कोई 10 मिनट लेट था हमने 10 मिनट डाल दिए, और 20 मिनट लेट था हमने 20 मिनट डाल दिए, और कोई बिल्कुल भी लेट नहीं था वहां पर 0 डाल दिए, ठीक है। हम यही करने के लिए बैठे हैं कि जो लेट आएगा उसके आगे हम यहाँ पे लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे अपन। फिर इसके बाद जैसे अपन ने टोटल प्रेजेंट का